सब न चाहे जिया कर बेकी रात में जाए मुझको अगर साथ तेरा। Hi guys, welcome back to my channel Makeup Lover's Sejal and welcome back to day 6 of Navrang Ratri and the color is yellow. आज का makeup look बहुत ही subtle है guys, but of course with red bold lips because yellow saree and red goes perfect guys. So ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, and now without any further ado, let's get started. सो गाइज मैंने ऑलरेडी अपना बेस किया हुआ है, लाइक आई हैव यूज्ड मॉइस्चराइजर, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ऑल्सो मैंने अपने फेस को सेट किया है विथ लूज पाउडर, इसलिए मैं पाउडर ब्रश से एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस कॉन्टोर स्टिक फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस. बहुत ही अच्छा कॉन्टोर स्टिक है गाइज, बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाता है, सेकेंडली जब ब्लेंडिंग के टाइम भी बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है और एकदम नेचुरल कॉन्टोर का इफेक्ट देता है आपको. सो मैं फोर हेड, कॉन्टोर लाइन, जॉ लाइन, नोज को अच्छे से कॉन्टोर कर लेती हूँ बिकॉज आई लव दैट सनकिस्ट लुक. लाइक मुझे एकदम फ्लैट नहीं अच्छा लगता, कॉन्टूर करने के बाद आपके फेस को एक्चुअल स्ट्रक्चर मिल जाता है एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है यहाँ पर. लाइक मुझे ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने नहीं पड़ रहे, जस्ट हैव टू टैप 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 और बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है. अब गाइज कॉन्टूरिंग करने के बाद मैं करने वाली हूँ आई शेडो. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फोकालिया क्रिस्टल आई शेडो पैलेट. आप कोई भी पैलेट ले सकते हो एंड आप जो कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ आप वो यूज़ करके ये क्रिएट कर सकते हो. सो बेसिकली मुझे एक सब्सक्राइबर ने इमेज भेजा था ऑन इंस्टाग्राम कि प्लीज़ आप ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करना. इट वॉज लाइक स्मोक्ड आउट, लाइक ब्राउन, लाइक स्लाइटली स्मोक्ड आउट एंड यू नो बीच में सिर्फ ग्लिटर शेड्स अप्लाई हुए थे, बहुत ही ज़्यादा सटल था. सो दैट्स वॉट आई डिड इन दिस मेकअप लुक. सबसे पहले मैंने वो येलोविश ब्राउन शेड था वो लिया है एंड देन उसके बाद ये वाला ब्राउन शेड लेकर, वो जो उससे थोड़ा सा डार्कर है, लेकर मैं आउटर वी में और क्रीज़ में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मैं आउटर में उसे स्मोक आउट कर लूँगी ताकि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंडेड लुक मिले और सेम मैं लोअर लैश लाइन पर भी कर लूँगी. नेक्स्ट आई विल टेक दिस येलो शेड, इट्स अ शिमर ब्यूटीफुल शेड गाइस, बट एक्चुअली लाइटिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है और लाइटिंग भी ज़रूरी है ताकि आप सबको भी दिखे. सो नेक्स्ट मैं वो फॉयल शेड है उसे लेकर अपने पूरे लिड पर अप्लाई कर लूँगी ताकि बहुत ही अच्छा ग्लिटरी लुक मिले मुझे एंड द लुक टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल, सो सटल, सी बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस. नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ आई लाइनर, अ ब्यूटीफुल विंग. दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन आई लाइनर. शाइन लाइन सिर्फ आई लाइनर का नाम है लेकिन वो कम्प्लीटली मैट है गाइज और बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है बिकॉज एप्लीकेट इसका बहुत अच्छा है. सो आई वॉन्टेड टू गो फॉर विंग आई लाइनर बिकॉज ऑलरेडी हमारा आई मेकअप लुक सटल था, सो विंग उसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाते हैं. सो येस गाइज मैं बस अच्छे से विंग ड्रॉ कर ले रही हूँ और दोनों को मैच करना बहुत ही डिफिकल्ट है बट समहाउ आई मैनेज. नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी in the shade 8 brown eyed girl and I wanted to like you know balance out my eye look. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही एकदम मस्त विंग हो और नीचे कुछ भी ना हो. So that's why guys मैंने brown अप्लाई किया है. And next मैंने अप्लाई किया है false eyelashes with mascara of Focalia bomb lashes. Now I am using LA Colors blush and highlight palette. This is in the shade pink and playful. So जो brownish थोड़ा सा coralish shade है and pink shade को mix करके मैं blush की तरह अप्लाई करूँगी and वो जो coral shade है उसे मैं contour line पर भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी. मुझे ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. फिर उसके बाद वो जो नीचे के दो शेड्स है हाईलाइट शेड्स मैं लेकर अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी. वेरी ब्यूटीफुल हाईलाइटर गाइज. और वो जो दो ब्लश शेड मैंने यूज़ किया है मैं सिर्फ उसे ही यूज़ करती हूँ बिकॉज दैट सूट्स माई स्किन एंड बहुत ही अच्छे से लाइक अप्लाई भी हो जाता है. सो आई विल हाईलाइट हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस, ब्राउ बोन एंड क्यूपिड्स बो, इनर कॉर्नर, सब कुछ अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी. नाउ लास्ट इज लिपस्टिक गाइज एंड ओ माई गॉड आई वॉज सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस lipstick. This is Maybelline Superstay Matte Ink in the shade 117 Groundbreaker. It's such a beautiful color guys. Like eye look के साथ plus with the saree yellow color बहुत ही अच्छा लगता है. red shade ये थोड़ा सा tomato red shade है, बहुत ही beautiful लग रहा था. So yes guys my makeup look is done and this is the final look. This saree is of my mom and it looks so beautiful. Blouse मेरी aunty का है because मेरे पास saree वगैरह कुछ नहीं है. So yes guys that's it about my today's video. I hope आप सबने एंजॉय किया होगा. आई होप आप सबको वीडियो हेल्पफुल होगा. पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. बाय.